देश में लगातार मौसम में बदलाव हो रहे हैं। आपको बता दें कि आने वाले दिनों में ठंड में भी बढ़ोतरी होगी। साथ ही अनुमान है कि देश के दक्षिणी इलाकों में हल्की से मध्यम और कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। साथ ही मौसम विभाग का कहना है कि जैसे ही ठंड बढ़ेगी, हो सकता है कि राजधानी का प्रदूषण भी कम हो जाए। तो अब जानते हैं थोड़ा विस्तार से देश के मौसम का हाल। शुरू करते हैं दिल्ली से। राजधानी दिल्ली का लगातार बढ़ता प्रदूषण चिंता का विषय बना हुआ है। दिल्ली NCR के पड़ोसी राज्य हरियाणा ने भी राजधानी क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण के स्तर के कारण चार जिलों गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर और सोनीपत में सभी स्कूलों को 17 नवंबर तक के लिए बंद करने का फैसला किया है। जबकि इससे पहले भी दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण के कारण 15 नवंबर से सभी स्कूलों को बंद करने का फैसला किया था। तो वहीं दूसरी तरफ अनुमान यह भी है कि जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी, वैसे वैसे ही प्रदूषण भी कम होगा। आज दिल्ली का अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अब जानते हैं झारखंड के मौसम के बारे में। पिछले दो दिनों में झारखंड के कुछ इलाकों में बारिश देखने को मिली है और अब धीरे धीरे तापमान में भी गिरावट आ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाली 17 से 18 नवंबर के बीच हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वैसे अब झारखंड का मौसम सुहाना है और आज झारखंड का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अब आपको बताते हैं अगले 24 घंटों के दौरान बारिश का हाल। आप ये तो जानते ही हैं कि केरल और देश के कई दक्षिणी इलाकों का बारिश से कितना बुरा हाल है। केरल में बीते 24 घंटों में कई जगहों पर भीषण वर्षा रिकॉर्ड की गई है, जबकि मौसम विभाग की ओर से 16 नवंबर को कर्नाटक और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। साथ ही 17 और 18 नवंबर को तटीय आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र तट पर भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार तमिलनाडु के पास कम दबाव का क्षेत्र बना है और आगे बढ़ रहा है, इससे दिन के तापमान में वृद्धि होगी। अनुमान है कि 16 नवंबर तक राज्य में भारी बारिश हो सकती है। तो वहीं देश के उत्तरी भारत में पहले की ही तरह आसमान में बादल देखने को मिल रहे हैं। गिलगित, बल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू के पूर्वानुमान के अनुसार इन क्षेत्रों में न बारिश होगी और न बर्फबारी ही। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।